गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज एंडेमिक इन इंडिया। रिपोर्टेड डाटा फॉर द ईयर 2013 शो ए 1.53 मिलियन केसेस एंड 361 डेथ्स इन, यानी 2013 में जो टाइफाइड फीवर के केस इंडिया के अंदर 1.53 मिलियन केसेस पाए गए थे और उनमें जो डेथ हुई थी वो हुई थी 361 डेथ्स। टाइफाइड फीवर इज ए ड्यू टू सिस्टमेटिक इन्फेक्शन मेनली बाय सालमोनेला टाइफी, यानी एस टाइफी। टाइफाइड फीवर जो है एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जिसका मेन कॉज होता है सालमोनेला टाइफी। सालमोनेला टाइफी इन्फेक्शन, द डिजीज इज ए क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ए टिपिकल कंटिन्यूस फीवर फॉर ए 2 to 3 वीक्स विद ए रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फो टिश्यू एंड कंसिडरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। यानी इसमें एक क्लिनिकल जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, टिपिकल फीवर आता है इसमें जो कंटिन्यू रहता है 2 to 3 वीक्स तक। यानी और साथ में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फो टिश्यू, यानी लिम्फो टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, जैसे कि बदन का टूटना, इस तरह की कंडीशन जो रहती है सिम्टम इसमें रहते हैं, कंसिडरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो अदर सिम्टम भी होते हैं सारे। तो ये इस डिजीज का जो है क्लिनिकली कैरेक्टराइज बाय टिपिकल कंटिन्यूस फीवर। नेक्स्ट है इसमें द टर्म एंटेरिक फीवर इंक्लूड बोथ टाइफाइड और पैराटाइफाइड। टाइफाइड फीवर इज ए एंटेरिक फीवर इंक्लूडिंग बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। द डिजीज में अकर स्पोरेडिकली, एपिडेमिकली और एंडेमिकली। यानी जो ये डिजीज है जो ये डेवलप होती है में अकर स्पोरेडिमिकली होती है, एपिडेमिकली और एंडेमिकली, यानी बीच बीच में। एंडेमिकली यानी संक्रामक रूप, एंडेमिकली यानी जो प्रांतीय जानती है जैसे कि होती है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी कैसे ये जो फैक्टर्स है ये कैसे जो इसके बैक्टीरिया है ग्रोथ करते हैं किन किन फैक्टरों के द्वारा। तो पहला है फैक्टर्स एजेंट्स। एस टाइफी इज ए मेजर कॉज ऑफ द एंटेरिक फीवर। एस टाइफी एक मेजर कॉज होता है एंटेरिक फीवर का। एस पैरा ए और एस पैरा बी आर रिलेटिव इन्फ्लुएंटेड। एस टाइफी आर थ्री मेन एंटीजेंस होते हैं ओ एच वाइवा एस टाइफीज जो सर्वाइव करते हैं इंट्रासेलुलर इन द टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन, यानी इंट्रासेलुलर ऑर्गन टिश्यू के द्वारा ऑर्गन तक सर्वाइव करते हैं। ये टाइफाइड बेसिलाई है जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। बैक्टीरियोलॉजी है टाइफाइड फीवर की। द जीनस सालमोनेला बिलोंग टू इंट्रोबैक्टीरियस फैसिलिटेटिव एनिरोबो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। दिस जीनस इज फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाई केमिकल एंड एंटीजन स्ट्रक्चर्स। एस टाइफी हैज थ्री मेन एंटीजन्स ओ एच वाई एंड नंबर ऑफ फेज टाइप्स। ये नंबर ऑफ फेज टाइप्स है ओ एच वाई एस टाइफी जो इंट्रा सेल्यूलर से सर्वाइव करके टिश्यू से ऑर्गन तक जो स्टेज है वो डेवलप होती है। इट इज़ ए रेपिडली किल्ड बाई ड्राइंग पोचरिंग एंड कॉमन डिसइंफेक्शन। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर इज मैन आर इन्फेक्टिंग डोज विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जो फैक्टर वो है रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो कुंड है जलाशय विभाग है उनके द्वारा जो इन्फेक्शन जो फैक्टर्स होते हैं वो ये फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो मेन जो इन्फेक्शन सोर्स होते हैं जिसमें केसेस और कैरियर्स होता है। केसेस और कैरियर्स, केसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है जो बेसिलाई है। द केस इन्फेक्शन लॉन्ग एंड बेसिलाइज अपीयर इन स्टूल ऑफ यूरिन। लॉन्ग टाइम तक जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन अपीयर इन स्टूल एंड यूरिन। और कैरियर्स में, द कैरियर्स में भी टेम्परेरी होते हैं इनक्यूबेटरी कॉन्वेस्टेंट और क्रॉनिक। कॉन्वेस्टेंस कैरियर्स क्या होते हैं, एक्सटेंट बेसिलाई है जो 3 to 8 वीक्स आफ्टर देयर नंबर
डिमिस रैपिडली एंड ऑफ द 3 मंथ्स, यानी जो क्लेमेंट कैरी एक्सरे वैसे लाइफ को एक्सरे करते हैं 3 से 8 मंथ, जो 6 से 8 सप्ताह के लिए जो बेसिलाई है उसका उत्सर्जन करते हैं यानी एक्सक्रेट करते हैं, जिसके बाद उनकी तेज़ी से ये ग्रोथ है कम हो जाती है और 3 महीने के अंत तक रहती है। पर्सन हाउ एक्सक्रेट बेसिलाई मोर ईयर क्लिनिकल अटैक ऑफ कोल्ड क्रॉनिक कैरियर्स इन द मोस्ट क्रॉनिक कैरियर्स ऑफ बेसिलाई एग्जिट इन गाल ब्लेडर इन द बेली ट्रैक, जो मोस्ट क्रॉनिक कैरियर्स जो है वो गाल ब्लेडर को इन्फेक्टेड करते हैं। एक क्रॉनिक कैरियर्स में भी एक्सक्रेट बेसिलाई सीवियर ईयर्स में भी एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स। द फेमस केस ऑफ टाइफाइड मेरी हु गेव ए राइज 1300 केसेस इन लाइफ इज ए एग्जाम्पल फॉर क्रॉनिक कैरियर स्टेट, यानी क्रॉनिक कैरियर स्टेट में जो टाइफाइड मेरी है जो कि एक फेमस केस है जो कि 1300 केसेस में लाइफ हर लाइफ टाइम इन द एग्जाम्पल है। फिसल कैरियर्स आर अ मोर कॉमन इन यूरिनरी कैरियर्स, यानी फिसल जो कैरियर्स है वो मोस्ट कॉमन होता है देन यूरिनरी कैरियर्स। फिसल यानी मल, मल के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है वो मोस्ट कॉमन होता है यूरिनरी कैरियर्स के द्वारा। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है तीसरा फैक्टर से, तीसरा फैक्टर से पहला है द प्राइमरी एंड सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आर फीसेस एंड यूरिन केसेस ऑफ यूरिन। प्राइमरी सोर्सेज तो यही हो गया जो फीसेस और यूरिन वाला जो के द्वारा जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज कॉन्टामिनेट वाटर, फूड्स, फिंगर, जो पाइल से यानी वाटर से जो सप्लाई जाती है वाटर्स की बाहर से वो भी कॉन्टामिनेट वाटर होते हैं, उसमें काफ़ी इन्फेक्शन होता है। फूड्स हैं जो बाहर के हम खाते हैं जो इन्फेक्शन का सोर्स को बढ़ाते हैं। फिंगर्स एंड फाइल्स फ्लाइस है यानी जो मक्खी मधुमक्खी जो भी ये फ्लाइस होते हैं ये सभी इसका सेकेंडरी सोर्सेस होता है टाइफाइड फीवर का। अब है होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर कौन कौन से होते हैं। होस्ट फैक्टर में पहले लेते हैं एज। टाइफाइड फीवर में अकर एनी एज, यानी ये किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली जो ये डेवलप होता है, हाई इंसिडेंस ऑफ द डिजीज अकर्स इन 5 to 19 ईयर्स, यानी 5 से 19 साल के बच्चों में ये काफ़ी ग्रोथ करता है। दूसरा सेक्स यानी जेंडर्स, मेल्स आर मोर इफेक्टिव देन फीमेल्स, यानी मेल्स को ज़्यादा ये इफेक्टेड करता है देन फीमेल्स में। मोस्ट प्रोबेबली एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शंस, बट कैरियर इज रेट इज मोर इन फीमेल, यानी जो कैरियर रेट्स होती है वो फीमेल में ज़्यादा होती है इन्फेक्शंस की मेल के प्रति। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में पहला है ये होस्ट फैक्टर्स में हमने लिया है, पहला लिया सेक्स, दूसरा सॉरी पहले एज सेक्स एंड सी में लिया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या है, ऑल एजेस आर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस। द होस्ट फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेसिस्टेंट टू बेसिलाई गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड लोकल इंस्टेंटाइन इम्यूनिटी। एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर्स इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर तो पहला है एंटेरिक फीवर आर ऑब्जर्व ऑल थ्रू द ईयर, द पिक इंसिडेंट्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग जुलाई सितंबर, यानी जो टाइफाइड फीवर का जो है ज़्यादातर कौन से सीजन्स में होता है, तो ये रेनी सीजन और इंक्रीज करता है फ्लाई पॉपुलेशन को, जहाँ पे मक्खी मधु ज़्यादा होती है तो यह वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होता है। दूसरा सोर्सेज होता है इसका, जैसे वाटर है, आइस है, फूड है, मिल्क है, सोइल है, फॉरेज जैसे कि वेजिटेबल्स ग्रोइंग है देन टाइम। टाइफाइड बेस इज नॉट ए मल्टीप्लाई वाटर, मैनी डैम परिस भी देने 48 बट सम मे सर्वाइव अबाउट 7 डेज। वेजिटेबल्स ग्रोन इन सीवेज फेमस वॉस्ट कॉन्टामिनेटेड वाटर आर पॉजिटिव हेल्थ हैजार्ड्स। टाइफाइड बेसिलाई ग्रो रैपिडली मिल्क विदाउट एल्टरिंग टेस्ट ऑफ अपीयरेंस एनी वे, इन विच कैन इंजेस्टन ऑफ सच रॉ मिल्क प्रोसेस एंड कंज्यूमर।
दिस फैक्टर आर कंपोनेंट सच एज सोशल फैक्टर एज पॉपुलेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज होती है जो पॉपुलेशन के अंदर ओपन एयर डिफेक्शन यूरिनेशंस लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड पर्सनल हाइजीन होती है और हेल्थ इग्नोरेंस होती है यानी हेल्थ को इग्नोर करना पर्सनल हाइजीन को यूज नहीं करना जो बाहर की जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो खाना जो सप्लाई वाटर से वो सही तरह से नहीं आनी या उसका वाटर को ज़्यादा पीना ये सभी जो है सोशल फैक्टर्स में आते हैं। देयर आर टाइफाइड फीवर मे बी रिकॉर्डेड एज इंडेक्स और जनरल सैनिटेशन और इन एनी कंट्री। अब इनको पीरियड जो है वो क्या होता है टाइफाइड फीवर का, टाइफाइड फीवर का व्हाट द कैन बी शॉर्ट एंड 3 डेज ऑफ द लॉन्ग वीक्स 3 वीक्स यानी जो शॉर्ट डेज होते हैं टाइफाइड फीवर के वो 3 डे तक भी ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये लॉन्ग पीरियड ज्यादा रहता है तो 3 वीक्स तक रहता है। और वैसे 10 to 14 डेज मोड ऑफ ट्रांसमिशन टाइफाइड फीवर ट्रांसमिट बाई ए फीकल और रूट एंड यूरिन और रूट्स। दिस में टेक पैलेस डायरेक्टली थ्रू सोइल हैंड्स कॉन्टामिनेट फैक्ट्रीज यूरिन ऑफ केसेस और कैरियर्स ऑफ द इनडायरेक्टली बाय द इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर मिल्क फूड एंड थ्रो फ्लाइज। डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ 5 ट्रांसमिशन जो बताया मैंने आपको वाटर सोइल फ्लाइज एंड फिंगर्स फीसेस यूरिन ऑफ द केसेस वाटर फूड थ्रू कॉक्ड माउथ एज पर्सन। द डिजीज ट्रांसमिटेड बाई फीकल और रूट एंड यूरिन डायरेक्टली थ्रो हैंड सोइल्ड फीसेस यूरिन द केसेस कैरियर इनडायरेक्टली बाई इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेट वाटर मिल्क फूड थ्रो फ्लाइज कॉन्टामिनेटेड आइस क्रीम्स एंड मिल्क प्रोसीजर दैट इज रीच सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यानी फ्लाइज का बार बार किसी जैसे सोर्सेस है ये अदर फूड्स में जैसे मक्खियों को बैठना और उन्हीं को हमें खाना यानी जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज करने से कारण से ये इन्फेक्शन जो फैलता है कॉन्टामिनेट होता है। क्लिनिकल फीचर्स द ऑनसेट इंसिडियस बट चिल्ड्रन मे बी एफेक्टेड विद चिल्स एंड हाई फीवर। चिल्ड्रंस में एफेक्टेड विद चिल्स एंड हाई फीवर ड्यूरिंग द प्रोडिमल स्टेज देर इज ए मेलेसी यानी थकान या बेचैनी ऐसा समझता एंड हेडेक कफ सोर थ्रोट एब्डोमिनल पेन कॉन्स्टिपेशन जो ये क्लिनिकल सिम्टम होते हैं। द फीवर एसेंडेड स्टेप लेटर फैशन अबाउट द 7 to 10 days द फीवर रीच द रिलेटिव एंड पेशेंट टू लुक टॉक्सिक अपीयरिंग एक्सटेंड आफ्टर प्रोस्टेटेड देर मे बी मार्क कॉन्स्टिपेशन स्पेशली ऑफ अर्ली स्टेजेस पी सोप डायरिया यानी कि जो वाटरी डायरिया टाइप्स होता है पी सोप बोलते हैं जिसको जिसमें जो है बैक्टीरिया इजिली सीन होते हैं। देर इज मार्क ऑफ डिवर डिस्टेंशन देर इज लुकोपीनिया इन ब्लड यूरिन एंड स्टूल कल्चर इज पॉजिटिव फॉर सालमोनेला। इफ देर आर नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन इंप्रूव ओवर 7 to 10 days हाउएवर रिप्लेस मे बी अकर 2 weeks आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टू ऑफ थेरेपी ड्यूरिंग अर्ली फेज फिजिकल्स फिजिकल्स फाइंडिंग आर फ्यू लेटर स्पिनोमा के लिए लीवर का साइज बड़ा होना एब्डोमिनल डिस्टेंशन टेंडरनेस रिलेटिव बेल्ट गार्डियो डिक्रोटिक पल्स एसोसिएशनली मेनिंग मेनिसमस अपीयर द रश रोज स्पॉट्स कॉमनली अपीयर ड्यूरिंग द सेकेंड वीक द डिजीज। नेक्स्ट द इंडिविजुअल स्पॉट फाउंड प्रिंसिपली ऑन द ट्रंक इन द पिंक पॉपुल 2 to 3 mm डायमीटर दैट फेड्स ऑन प्रेशर इन डिसअपीयर इन 3 to 4 days जो सिम्टम्स में आता है रेड स्पॉट्स जैसे बताया कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन आगे होता है तो वो रेस्पॉट इस प्रकार के होते हैं जो टाइफाइड फीवर को इंडिकेट करते हैं। और जो ये रेसेस होते हैं ये अपीयर तो होते हैं सेकेंड वीक में और डिसअपीयर होती है 3 to 4 weeks ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। अब सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में भी अकर 10% ऑफ पेशेंट स्पेशली दोज हु हैव बीन लॉन्गर देन 2 weeks हु नॉट रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट। सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इंटेस्टाइनल हेमरेज हो गया ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आता है इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो गया फॉलोड बाय डार्क और फ्रेश ब्लड इन द स्टूल यानी स्टूल के साथ ब्लड का आना ये सब सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आते हैं जो टाइफाइड में हो सकते हैं जैसे कि मैंने
sang followed the fresh blood in stool. Intestinal hemorrhage is the manifestation of sudden drop the temperature का अचानक से कम होना. Sign of shock, जो shock को indicate करता है, followed by dark flush of the stool. Intestinal perforation is the most likely during in the third week. Less frequent complications are urinary retention, pneumonia, thrombotitis, myocarditis, psychosis, cholecystitis, nephritis and otiomyelitis. लेप्रोडी डायग्नोसिस क्या होता है? लेप्रोडी डायग्नोसिस में पहला लेते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी प्रोसीजर. इसमें लेते हैं द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर डिपेंड ऑन द आइसोलेशन बेसिलाई ब्लड, यानी जो बैक्टीरिया है उसको ब्लड सेल करना, बोन मैरो एंड स्टूल्स, ब्लड कल्चर इन द मेनिस्टे ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. दूसरा जो है डायग्नोसिस में सोरोलॉजी प्रोसीजर, इसमें क्या होता है? फेलिक्स वाडल टेस्ट मेजर्स एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी लेवल्स अगेंस्ट OH एंटीजेंस. तो यानी OH एंटीजेंस है उसको जो जो अपीयर जो 6 to 8 वीक होते हैं जिसको एंटीबॉडीज ऑन डे और 10 to 12 आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज. द टेस्ट यूजली परफॉर्म द एक्यूट सीरम द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद पेशेंट द टेस्ट बी मॉडरेट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी. इट कैन बी नेगेटिव अप टू 30% ऑफ कल्चर्स. प्रोवन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, दिस मे बी बिकॉज ए पेरियर एंटीबायोटिक थेरेपी दैट मीन यू ब्लंटेड द एंटीबॉडी रेस्पॉन्स. न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट में विटाल टेस्ट है, इंक्लूड है इसमें IDL ट्यूबस टू डिटेक्ट जो डिटेक्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज को. सैंपल्स टू STIP. लिपोसेक्राइड्स एंटीजेंस होते हैं इसमें. देन स्टेनिंग ऑफ बाउंड एंटीबॉडीज एनी एंटी ह्यूमन IgM एंटीबॉडी कंजेक्टेड ऑफ कोलेजियल टाइप पार्टिकल्स, यानी IgM09 जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी उसको ये डिटेक्ट करता है. विडाल इंक्लूड IDL ट्यूबक्स टेस्ट. डायग्नोस्टिक रिजिमेन फ्रेश कल्चर विडाल यूरिन कल्चर एंड ब्लड कल्चर. कंट्रोल ऑफ फीवर को तो फर्स्ट यही है, कंट्रोल ऑफ रिजर्वियर्स जिसमें केसेस एंड कैरियर्स को हमें कंट्रोल करना है. दूसरा आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ये सभी हम देखते हैं अभी. पहले देखते हैं हम कंट्रोल ऑफ रिजर्वेशन. दूसरा कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन एम्यूनाइजेशन. तीन जो है कंट्रोल करने के लिए हमें मेन इम्पोर्टेंट टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी होते हैं. तो पहले लेते हैं कंट्रोल ऑफ रिजर्वेशन. द यूजुअल मेथड ऑफ कंट्रोल रिजर्वेशन आर देयर आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ट्रीटमेंट एंड डिस्पेंसेशन. कंट्रोल ऑफ रिजर्वेशन में क्या है, क्या हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर आइसोलेट करना है, फिर ट्रीटमेंट, फिर डिस्पेंसेट करना है. डिस्पेंसेट करने के लिए बैक्टीरिया को हमें क्रिसोल जैसे फिनॉल्स ये इनको दे के हमें बैक्टीरिया को मारना पड़ता है, डिस्पेंसेट करना पड़ता है. तो पहले लेते हैं हम केसेस अर्ली डायग्नोसिस. केसेस अर्ली डायग्नोसिस में क्या है, कल्चर सिम्टम नॉन स्पेसिफिक. के सिम्टम कौन से हैं, अर्ली सिम्टम आर नॉन स्पेसिफिक. कल्चर ऑफ ब्लड स्टूल्स आर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिंग इन केसेस. कल्चर एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस के अंदर. जो नोटिफिकेशन इन शोड बी डन वेयर सच ए मॉडरेटली. नेक्स्ट लेते हैं इसमें नोटिफिकेशन. थर्ड लेते हैं इसमें आइसोलेशन. आइसोलेशन क्या है, सिंस टाइफाइड इज एन इन्फेक्शन डिजीज द केसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू हॉस्पिटल्स. अगर कुछ आइसोलेट जैसी कंडीशंस है तो हमें हॉस्पिटल्स में उसको आइसोलेट करना होता है बैक्टीरिया को, ताकि वो दूसरे से उससे दूसरा पर्सन को इन्फेक्टेड ना हो. एज रूल केसेस थ्रू आइसोलेट 3 बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव स्टूल यूरिन रिपोर्ट्स आर ऑब्टेंड ऑन 3 सेपरेट डेज. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए पहला है फ्लोरोक्विनोन लेस आर वाइडली रिगार्ड्स टू ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट टाइफाइड फीवर. पेशेंट भी सीरियसली इल अगर टाइफाइड फीवर में तो हाइड्रोक्लोरोक्विन ड्रग 100 mg डेली 2-4 days लेते हैं. साथ में एम्पीसिलिन है, एमोक्सिलिन है, ट्राइमेथ्रोप्रीम है, सल्फामेथाजोन है, ये ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है. तो ट्रीटमेंट्स में जैसे हैं सिप्रोफ्लोक्सिन, ऑफ्लोक्सिन, सेप्टोजोन्स है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोफेनिकोल है, सिप्रोफ्लोक्सिन है,
ये अकॉर्डिंग टू टाइफाइड की सिम्टम के अनुसार दिया गया है। अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप फीवर और सीवर टाइप फीवर, सीवर टाइप फीवर में हमें सिप्रोफ्लोक्सिन, सेप्टोजोन, सेप्रोटोक्सिम्स दिए जाते हैं जो कि इंजेक्शन डोज है। सिप्रोफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सिन, सेप्टोजोन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोफेनिकोल्स जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर में दिए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ड्रग और डोजेस के अनुसार हमें इसमें दिया गया है। अब लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड वेल टॉलरेट एंड मोर रिलेटिव एंड इफेक्टिवली देन क्लोरोफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ट्राइमेथोन एंड सल्फामेथाजोन, क्योंकि ये दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड वेल टॉलरेट एंड मोर रिलेबल, क्योंकि ये मोर रिलेबल होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं जो टाइफाइड फीवर के लिए। पेशेंट सीरियसली इल प्रोफेशनली टू शुड बी गिवन हाइड्रोकोर्टिसोल 100 mg डेली फॉर 3 to 4 days। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट में स्टूल और यूरिन जो स्टूल सोर्सेस होते हैं उनको दिस अ क्लोज कंटेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट 5% क्रिसोल एट लीस्ट 2 hours। ऑल सॉइड क्लॉथिज एंड लीलन शुड बी सॉक्ड इन ए सोल्यूशन 2% क्लोरिन टू बी स्ट्रीम सेटेलाइज, यानी स्ट्रीम भाप के द्वारा 2% जो क्लोरिन सोल्यूशन है उसको फिर हम सॉक्ड करके धूप में स्टीम दी जाती है, सुखा जाता है ताकि वो बैक्टीरिया आराम से डिस्ट्रॉय हो जाए, मर जाए। डॉक्टर्स एंड नर्सेस शुड बी डिसइंफेक्ट देयर हैंड्स। फॉलोअप क्या रहेगा इसमें, एग्जामिनेशन स्टूल एंड यूरिन शुड बी डन एचटीपी 3 to 4 months डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद भी जो एचटीपी बैक्टीरिया है वह रहते हैं। अगेन 12th month डिप्रेमेंट डेवलपमेंट कैरियर स्टेट, और कैरियर से दोबारा भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। अब कैरियर, सिंस कैरियर्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, देयर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वेज ऑफ कंट्रोलिंग टाइफाइड फीवर, द फॉलोइंग ऑफ मेजर्स रिकमेंडेड। आइडेंटिफिकेशन, कैरियर्स आर आइडेंटिफिकेशन बाय कल्चर, सोरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूडिनम ड्रेनेज, एस्टेब्लिश प्रेजेंस ऑफ द साल्मोनेला इन बाइलरी ट्रैक्ट कैरियर्स, द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन अबाउट 80% ऑफ क्रॉनिक कैरियर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स, द कैरियर शुड बी गिवन इंटेंसिव कोर्स ऑफ एम्पिसिलिन 4 to 5 mg पर डे टुगेदर विद निसेप 2 mg फॉर 2 weeks। ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स, एमोक्सिलिन 6 weeks, जो प्रोबिनिसिड 1 gram ओरली एंड TMP SMZ 160 and 800 mg ट्वाइस ए डेली। सिप्रोफ्लोक्सिन 750 mg ट्वाइस डेली और नॉर्सोफ्लोक्सिन भी दे सकते हैं। कोलोमिन भी रिकॉल, क्रॉनिक केसेस नॉट ट्रीटेड बाय अबव रेजिमेंट्स एंड कैरियर्स विद द कोलेस्थीसिस, अगर कोलेस्थीसिस कंडीशन है तो मे बी रिक्वायर्ड क्रॉनिक केसेस नॉट बी ट्रीटेड, इसमें क्रॉनिक केस को ट्रीटेड नहीं कर सकते इस ट्रीटमेंट से अगर कोलेस्थीसिस कंडीशन है। द ड्रग बाय कॉन्सेंट बाइल एंड मे बी अचीव रिडक्शन, कोलोमाइसेटिन कंसिडर्ड वर्थलेस फॉर क्लीनिंग द कैरियर स्टेट, सर्जरी अगर कोलेस्थियम में भी टाइफाइड फीवर को हाई ग्रेड या सीरियस कंडीशंस होती है इसमें हम कोलेस्थीटोमी करते हैं, यानी लेप्रोली कॉन्टामिनेटेड एपिसिलिन थेरेपी साथ में देते हैं, हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स। यूरिनरी कैरियर्स आर इजी ट्रीट बट रिफ्रैक्टेड केसेस नीड टू नेफ्रोक्टोमी व्हेन द किडनी इज डैमेज एंड अदर हेल्थी। सर्वाइव कैसे होता है, द कैरियर शुड बी केप्ट अंडर सर्वाइव, दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैंडलिंग फूड, मिल्क एंड वाटर द अदर। हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि मस्ट है इसमें हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि ये एक कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, इस कारण से हमें जिस पर्सन को ये डिजीज हुई है उसको हमें हेल्थ एजुकेटेड करना है। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वॉशिंग हैंड सोप्स आफ्टर डिफेकेशन और यूरिनेशन एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फूड्स एंड एसेंशियल एलिमेंट। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट ऑफ कैरियर्स कंटिन्यूज टू बी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, दिस इज क्रैक्स द प्रॉब्लम इन द मिनी एलिमिनेशन ऑफ टाइफाइड फीवर। कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन, प्रोटेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक सैनिटेशन एंड प्रोमोशन ऑफ फूड हाइजीन आर एसेंशियल मेजर्स टू द इंटरप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। अब लेते हैं हम एम्यूनिजेशन के, हम इसको कंट्रोल करने के लिए एम्यूनिजेशन भी एक
जो प्रिवेंट है ये ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट में एमिनेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच इन द प्रिवेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज इल्ड हाइएस्ट बेनिफिट टू द मेनी स्पेंट. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टाइफाइड फीवर डज नॉट 100% प्रोटेक्शन बट डेफिनेटली लवर्स बोथ ऑफ द इंसिडेंट सीरियसनेस ऑफ द इन्फेक्शन. इट कैन गिवन एनी एज अपर 2 years. Immunization is recommended that live in endemic areas, households, contexts and groups that risk infection such as school children, hospital staff, travelers producing endemic areas and thus attending males, milas and yatras. Anti-typhoid vaccines कौन कौन सी है. पहली है polysaccharide vaccines, दूसरी है the type 2-1A vaccines. ये वैक्सीन नहीं जरूर कैप्सूल से जो ओरल दिए जाते हैं. फर्स्ट है वैक्सीन वाई polysaccharide vaccines. सोल्यूशन ऑफ इंजेक्शंस. पॉलीसेक्रेट वैक्सीन क्या होती है, ये प्रूफाई होती है जिसको सबकुटेनियस द्वारा दी जाती है. IM सबकुटेनियस या IM दी जाती है और 6 months और 37 degrees centigrade पे इसको रखा जाता है. जो इंडिपेंडेंट IG यानी हीमोग्लोबिन जी रेस्पॉन्स दैट इज नॉट बूस्टर बाय एडिशनल डोजेज जो इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम को इम्प्रूव करती है टाइफाइड फीवर या इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए. इसको बोलते हैं पॉलीसेक्रेट फ्रॉम T2S टाइफी स्ट्रेन फॉर एलिटिक्स. इसमें जो बैक्टीरिया का है 2 strains से बनाया जाता है यानी पॉलीसेक्रेट यानी कई स्ट्रेन को मिला के इस वैक्सीन को बनाया जाता है जिसको पॉलीसेक्रेट कहते हैं. यानी 1 state, 2 state, 3 state और ज़्यादा स्ट्रेन मिलाते हैं तो पॉलीसेक्रेट वैक्सीन हो जाती है. यानी काफ़ी स्ट्रेंथ के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है. द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड सब कंटिन्यूस इंट्रामस्कुलरली. द टारगेट वैल्यू ऑफ ई सिंगल ह्यूमन डोज 25 माइक्रोग्राम एंटीजन. द वैक्सीन इज स्टेबल 6 months एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 years एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. द YA वैक्सीन डज नॉट बी एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स चिल्ड्रन एज एज देन 2 years. ओनली 1 dose रिक्वायर्ड एंड 3 vaccine कंज्यूम प्रोटेक्शन आफ्टर 7 days ऑफ वैक्सीनेशन. द मेंटल प्रोटेक्शन रीवैक्सीनेशन ऑफ रिकमेंडेड एवरी 3 years. द वैक्सीन कैन बी एडमिशन मे बी अदर वैक्सीन सच एज येलो फीवर हेपेटाइटिस ए विद रूटीन चाइल्डहुड वैक्सीन. नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स ऑफ द मिनिमल लोकल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद वाई वैक्सीन. इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. लोकल जो इफेक्ट हैं जो इस वैक्सीनेशन के साथ में या अदर वैक्सीन में होते हैं. There are no contraindicated to vaccine other than previously hypersensitive reactions to vaccine components. दूसरा है capsules, यानी जिसको वैक्सीन द टाइफी 21A vaccines. It is an orally admission live attenuated bacteria के द्वारा इसको बनाया जाता है. इसमें 2 TY2 strain के जो bacteria है के द्वारा इसको बनाया जाता है strain यूज करके. द लैनोल लाइव पी लिस्ड वैक्सीन इज अवेलेबल इन एंटेरिक कोटेड कैप्सूल. ये एंटेरिक कोटेड कैप्सूल के रूप में मार्केट्स में अवेलेबल है जिसको बोलते हैं वायोफिटिव. द वैक्सीन हैज बीन स्टोर्ड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पोटेंसी एक्युमुलेटर 14 days 25. द कैप्सूल आर लाइसेंस एंड यूज इंडिविजुअली एज अबाउट 5 years. द वैक्सीन इज एडमिशन अदर डे 3 to 5 days ए डोज ऑफ रिजीमेंट रिकमेंडेड. प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी इन अचीव्ड 7 days आफ्टर ए लास्ट डोज. द रिकमेंडेड टू रिपीट द सर्विस एवरी 3 years पीपल लिविंग एंडेमिक एरियाज एंड एवरी इंडिविजुअल ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू एंडेमिक एरियाज. फैक्ट्स अबाउट टाइफाइड फीवर विद डायग्राम. फर्स्ट ग्लोबली टाइफाइड कॉजेज ऑफ एस्टिमेट 21 मिलियन केसेस एंड 2 lakhs डेथ एवरी ईयर. टाइफाइड कम्स फ्रॉम बैक्टीरियल कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी. द डिजीज ऑफ स्प्रेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फीवर फूड वाटर थ्रू कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. एज एंड 75 people हैव इन्फेक्टेड फ्रॉम द टाइफाइड कम द इंटरनेशनल ट्रेवलिंग. अबाउट 3 to 5% पीपल मे बी स्टिल कैरी टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया इवन द सिम्टम ऑफ द विद ट्रीटमेंट. दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ टाइफाइड फीवर. थैंक यू एवरीवन.